से जंतर मंतर पे ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर वापस लाओ के लिए हम लोगों ने पुलिस से परमिशन मांगी थी कि हम इलेक्शन कमीशन को एक ज्ञापन देंगे, जंतर मंतर पे एक सभा करेंगे जिसमें ताकि हमारी वोट की जो चोरी ईवीएम के द्वारा करके सरकार जीत रही है, हम लोग चाहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जिसको संविधान ने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है, वो इलेक्शन कमीशन से हम ये मांग करने आए हैं कि हमें उस ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जिस ईवीएम को बनाने वाली मशीन की जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके सात इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से जिसके चार डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, और वो ईवीएम जिसका सोर्स कोड भी उन्हीं डायरेक्टर जो बीजेपी के बने हैं उनके पास है, और जो ईवीएम मशीन के अंदर जो रियल टाइम क्लॉक है जिसमें टाइमर लगा है और टाइम और डेट तय करके कौन सी तारीख को वोटों की चोरी करके बीजेपी को देनी है, वो उसके द्वारा चोरी की जाती है। सॉफ्टवेयर बनाते वक्त उसी के अंदर प्रोग्रामिंग कर दी जाती है किस तरह वोट की चोरी करके बीजेपी को दी जानी है, और उसमें ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर बीजेपी के उनका पूरा रोल है। और हम इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं कि हमें बिल्कुल भी ईवीएम पे भरोसा नहीं है, हमें बैलेट पेपर वापस लाना है, हमें बैलेट पेपर वापस चाहिए। हम आपका काम देख चुके हैं, हमने देखा जिस तरह चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में आपके बीजेपी के पदाधिकारी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के और जिस तरह की धोखाधड़ी की गई, इंडिया गठबंधन के 20 में से 8 मतों को इनवैलिड करार दे दिया और 20 के मुकाबले 16 मत वाले बीजेपी को मेयर बनाया गया, वो तो भला हुआ सीसीटीवी कैमरे लगे थे, और सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने उस चुनाव को अवैध डिक्लेयर करा के और उन वोट के आधार पे उस वो जो वोट पड़ी जो पड़ी थी उसी के आधार पे वहाँ इंडिया गठबंधन के व्यक्ति को मेयर बनाया कुलदीप कुमार जी को। लेकिन हम इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर वापस नहीं आ जाता, और ये जो फंडामेंटल राइट है ये देश के संविधान ने हमें दिए हैं उसका दिल्ली की पुलिस उसका वायलेशन कर रही है। अगर जंतर मंतर पे भी हम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करके अगर अपने जायज अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित करने की मांग नहीं कर सकते तो हम जाएंगे कहां? हम निश्चित तौर पे इस लड़ाई को लड़ेंगे और हम जीतेंगे। मोदी तेरी तानाशाही।